मेरे पीछे आया नक। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गाना मैंने सुबह सुबह से सुन लिया है और यही मेरे माइंड में गूंजे जा रहा है, गूंजे जा रहा है। गाना वाना मत गाया कर, वैसे ही गाना इतना प्यारा होता है तेरे मुंह से सुनने के बाद ना। उफ गाइस मेरी कार्गो पैंट कैसी लग रही है आप लोगों को? मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कोई कर दिया। मैंने इतनी अच्छी लाइन बोली यार, तुमने अच्छी लाइन, मुश्किल से बेइज्जती मारी। ये मैंने बहुत ही यू नो स्टाइलिश सा जैकेट पहना हुआ है। ये जो है ये मेरा है भाई, अर्जा भाई अर्जा, ये सच में ही सीख गई है। अंदर मैंने ये पहना हुआ है और इसके अंदर मैंने एक इनर पहना हुआ है और हाँ ये कार्गो पैंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और तू भी लगा ऐसी? हाँ यार अच्छी है। तुझे कौन ही दिलाए, मैं तो नहीं दिलाने वाली। मैंने फेंक दी थी मैंने इसको। गाइस पता है वही तो नहीं है क्या? मतलब जो मेरे पास भी थी एक ऐसी पैंट मैंने फेंक दी थी, तो कहीं वही तो नहीं यार। देख रहे हो, देख रहे हो, देखो देखो नहीं है ये, पिटेगा। तेरे पास थी भी नहीं तो मैंने नहीं फेंकी थी भाई। इसके पास नहीं थी गाइस। सो हाँ मैं अभी थोड़ी सी पैकिंग करने जा रही हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, और पैकिंग मैं करने जा रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू यूपी यानी कि अमेठी जो कि है मेरा गांव। सो काफ़ी सारे लोग जम्मू जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। मैं सोचा कि क्यों ना हम अपने होम टाउन जाएँ और वहाँ पर जाकर कुछ अपनी यादें ताज़ा करें। मैं रात में बहुत लेट सोई थी गाइस क्योंकि मैं कर रही थी शूट, और मेरा जो लास्ट शूट कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 2:30 बजे के करीब। उसके बाद मैं मेकअप रिमूव वगैरह, फिर ठंड में ये करो वो करो, फिर धो मुँह, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। उसके बाद हीटर के सामने मैं बैठ गई, उठी हूँ जाके मैं 3:30 बजे, उसके बाद मैं जाके लेटी हूँ, तभी डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं आपको। तो मैं सोचा कि होम टाउन जाने से पहले कुछ वीडियोस को रेडी कर लूं, जिससे कि वहां पर जाकर थोड़ा सा इन्जॉय वगैरह करूं और सिर्फ व्लॉगिंग करूं, कुछ भी मुझे ऐसा ना करना पड़े। जो कि इम्पोर्टेंट वीडियोस थी वही मैंने शूट करके रख ली है। बस कर यार। अरे ला बताने तो दे। ठीक है हाँ चल कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ अब अच्छा लग रहा है इसको मारने के बाद। नहीं ये बात सच है, यहाँ पे सफाई करने आई थी मैं। और इसके बाद में मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है, मतलब कुछ चीज़ें मैं रख लूँ, उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें तो मैं थोड़ी देर बाद रखूँगी जब मम्मी अटैची वगैरह निकाल के दे देंगी। कपड़े तब रखूँगी, थोड़ा सा मेकअप रख लेती हूँ, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने रूम में। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है अपना पूरा सामान जो जो मुझे लेकर के जाना है, मतलब जो जो एसेंशियल है। और अभी सर्दियों में लिप बाम की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने एक लिप बाम और मैंने दो लिप बाम रखे हैं। आई थिंक दूसरा कहाँ गया, आई डोंट नो, मिल नहीं रहा। और यहाँ पे मैंने मिनीज़ वाली ये लिपस्टिक ले ली है, इसमें ना बहुत सारे कलर्स हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लिपस्टिक लेने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। एक ये लिपस्टिक ली है और एक ये लिपस्टिक ली है, दिस इज़ ब्राउन शेड और थोड़ा सा लिप ग्लॉस टाइप है, और बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मास्क ही लगाना होता है। काजल लिया है ओके। और इसको ना मैं रखने के लिए सोच रही थी, मतलब सामान निकाल लिया, सारी चीज़ें रखने के लिए, मुझे स्टोर करने के लिए मैंने निकाला था यार, पर मिल नहीं रहा है। आई थिंक मेरे अलमारी में होगा शायद। ओके सो ये रहा स्टोर करने वाला, ये है एक स्टोरेज बॉक्स जो कि मैंने आई थिंक बहुत टाइम पहले लिया था। ये इस तरीके का है गाइस, ये मैंने लाजपत नगर से परचेज किया था। अब इसमें हम ये सारी चीज़ें फटाफट से भर देंगे। तो सारा सामान हो गया है पैक। ब्रशेस जो थे वो मैंने इस तरीके के सेपरेट इस तरीके के बैग में डाल के इसको रख दिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल्स भी ले जा रही हूँ मैं अपने साथ में, और शैम्पू। और आप देखेंगे ना कितना छोटा सा पैक है, ये ट्रैवल फ्रेंडली पैक है और अब तक मैंने इसे खोल के यूज़ नहीं किया है, तो मैं वहीं पर इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसका जो ब्लैक सीड हेयर ऑयल है ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, आप लोगों को पता ही है, देखा ही हुआ है। और ये है बॉडी लोशन, हाँ बॉडी लोशन तो सर्दियों में मस्ट एंड मस्ट है ही, और ये मेरा फेवरेट वन है गाइस। ठीक है तो अब इसको हम कर देते हैं बंद, और इन सारी चीज़ों को इसमें, क्योंकि जगह तो हो नहीं रही इतनी ज़्यादा, अब इसमें एक दो चीज़ें और आएंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या क्या रखना है मुझे। और हाँ ये सब मैं बंद कर देती हूँ। ऑल राइट मेकअप की पैकिंग हो चुकी है और मेरा
अलमीरा खुला हुआ था क्योंकि मैंने इसमें सामान निकाला था। और हाँ, अभी मुझे जाना है थोड़ी सी स्वीट्स वगैरह लेने के लिए बाहर, क्योंकि पैक वैक करवाना होगा, तो पापा ने बोला ले आओ, तो वही मैं जा रही हूँ लेने। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ, निमिषा के साथ ही जाऊँगी मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा दूर है वो शॉप, बीकानेर से लेंगे हम लोग। तो बस अब वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद में आके बाकी की पैकिंग करेंगे। साकेत और निमी बच रही है, पता नहीं क्यों बार बार हम दोनों आए हैं यहाँ पर, मिठाई वगैरह ले ली है। और अब सामने मोमोज, ये मोमोज ले रहे हैं और बस निकलते हैं फिर खा पी कर। सो गाइज, मैं आ गई हूँ घर पे। ओ कपड़ा मैम के पास, मेरी मैम आई हुई है। और क्यों भाई, क्यों ये बार बार बदतमीजी करता है भाई? एक सेकेंड। सो इसकी जैकेट मैंने पहन ली है, इसलिए बार बार आ रहा है। मेरी जैकेट है, ये चोर है एक नंबर की, मेरे कपड़े चुरा के पहन लेती है। कभी मेरी हुडी चुरा लेती है, कभी मेरी जैकेट। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं किचन में खड़ी हूं, इसने चार अलमीरा भर रखी है, लेकिन फिर भी इसने मेरे कपड़े चुरा के पहनने हैं। दो दिन बाद तो तू चली जाएगी, फिर कहां से पहनेगी? चलो कहां चली जाऊंगी, मतलब। और अभी मैं खड़ी हूँ किचन में, तो मम्मी गई हुई है बाहर, अभी अभी आई है मेरी मैम के साथ। तब तक मैंने यहाँ पर कर दी है दाल फ्राई। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ दाल फ्राई। तो ये हो गई है हमारी दाल फ्राई, एंड इसमें बना दिए हैं कुकर में चावल। ये लिए तेरे लिए। ओह माय गॉड, फुटेज यार, ये मैं चॉकलेट फुटेज ये मैं चॉकलेट वीडियो बनाने के लिए चॉकलेट लाया था, तो ये बच गई। अच्छा, मैंने लोगों को ना चॉकलेट दिखा दिया, कभी इतना चुड़ाया, इतना मजा आ गया। अच्छा, इसका व्लॉग देखा आप लोगों ने, चॉकलेट वाला 24 आवर चॉकलेट ईटिंग चैलेंज। ओ भाई भाई, वो देख लेना। और ये देखो, हमेशा ये चॉकलेट लाया है मेरे लिए खाने के लिए। इसको मैं हमेशा देता रहता हूं, लेकिन इस जिंदगी में मेरे को एक बार भी चॉकलेट। बस कर, ये जो थर्मल पेन है ना तूने, ये मैंने गिफ्ट किया है तुझे, मैंने। और अभी निकाल रही हूँ मैं, ओ शिट, आटा। ये आटा बना लिया है, इसकी मैं बनाने जा रही हूँ अब रोटी। और बाकी सारी चीजें बन गई हैं, सब्जी भी बनकर रेडी है और हमारे चावल भी बन गए हैं। अब बनानी है रोटी। ओके, तो ये बना लेते हैं। तो गाइस, जो रोटियां हैं मैंने बना ली हैं, और अब मैं इसको फुलाने जा रहा हूँ। चिमटा मेरे हाथ में था, इसने भी अभी ले लिया मेरे हाथ से चिमटा। वाह वाह वाह, ये देखो हाथों की मेहनत, इसको बोलते हैं। अच्छा, मेरे हाथों की मेहनत। तेरे हाथ में कहाँ आटा लगा है देखा? मेरे हाथों में आटा, मेरे हाथों में आटा भी लगा। ये देखो, मेरे हाथों में भी आटा लगा। देखो गाइस, रोटियां बन गई हैं, अब हम खाएंगे खाना, डिनर करेंगे गरम गरम, गर्मा गरम। हाउ इज माय इयररिंग्स गाइस? सो खाना वाना खा लिया है, डिनर विनर हो गया है हमारा, और आके की पैकिंग अब मैं कल करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी मुझे कुछ ट्राई एंड हॉल्स भी करने हैं यार, मुझे सारी चीज़ें निपटा कर जानी होंगी। कुछ कुर्तीज़ हैं फ्रॉम मीशो, हाँ मीशो की कुर्तीज़ हैं, बहुत सुंदर सा कलर है, तो इसको मुझे फिट करना है। प्लस अभी मुझे इसका ट्राई एंड हॉल करना है, हाँ पहन वहन कर भी शूट करना है थोड़ा बहुत, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकूँ जल्द से जल्द। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है चोटी और हो गई हूँ रेडी, और पैकिंग भी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ओह शिट, अभी मैंने अपने इयररिंग नहीं रखे गाइस, वेट मैं अपने इयररिंग्स निकाल लूँ। ये भी मैंने अलमारी में सबसे नीचे ही रखा हुआ है।
ये रहे मेरे इयररिंग्स, इसमें से कौन सा वाला ले जाऊंगी मैं? एक ही ले जाऊंगी, हाँ तो यही वाला ठीक लग रहा है मुझे, एक ही रख लेती हूँ, बस हो गया। थैंक गॉड याद आ गया। सो एयरिंग भी ले लिए हैं मैंने, और अभी स्टिल यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मुझे अपने बैग में ठूसनी है। तो बस चलते हैं। और कौन कौन जा रहा है? मैं, पापा और भाई। लाइट नहीं जल रही है, अभी हम लोगों ने फ्लैश जला रखा है अपना। सो अभी होती है हमारी जर्नी स्टार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब मैं मिलती हूँ आपसे गाँव पहुँच कर। और हाँ, आसिफ भी एक वीडियो शूट कर रहा है, वो पूरी जर्नी दिखाएगा कि हाउ हम लोग कैसे गए और कैसे दिल्ली टू अमेठी।